अंजू एक चरित्रहीन औरत है, सुबह 9 बजे गई थी, रात को 1 बजे आई, जिसकी वजह से हमने डाइवोर्स फाइल करा। मेरे ननदोई की क्या हुई हो रही है सर, उसने 5-6 साल पहले जब मेरा बेटा 9 महीने का था तब उसने बोल दिया था कि डाइवोर्स करवाएंगे, और रीज़न ये था सर डाइवोर्स कराने का कि वो मेरे ऊपर गलत नज़र रखता था सर। CCTV की फुटेज घर की पेन ड्राइव में डाल के थाने में दे दी है, दूध का दूध पानी का। क्या था उसमें CCTV में? कुछ भी नहीं था, कह रही थी ये मेरे को छेड़ते हैं, कोई नहीं छेड़ता, हम अलग भी रह चुके हैं। उसने मेरे को बोला भी था कि भाई तेरा मैं सारा सॉर्ट आउट करवा दूंगा, तू मेरे साथ कोऑपरेट कर, मैंने मना कर दिया सर, मैं नहीं कर सकती सर। उसने हमारी छवि खराब करने के लिए मीडिया में इंटरव्यू दिया, दहेज मांगते हैं, दहेज का मामला विचार अधीन है, उसमें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए, लेकिन सर उस आदमी, गंदे आदमी के साथ मैं कोऑपरेट नहीं कर सकती सर। बस छोटी मोटी बातों के झगड़े हैं, अलग भी रह के देख लिया, अब 7-8 महीने बाद कल आई मेरे घर के बाहर धरना प्रदर्शन करा। पर एक बच्चे के साथ मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी सर, मैं नहीं कहीं जाना चाहती सर। कितने साल का बच्चा आपका? 6 साल का है सर। अगरसैन कॉलोनी का मामला आप लोग लगातार वैसो पानीपत पर देख रहे हैं, और हमने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की, अब जाकर जो है उनसे बातचीत हो पाई है, लेकिन बातचीत किस हालात में हुई वो आपको दिखाते हैं। ये उस मासूम का पिता है, जो 5 साल का बच्चा जो आपको दिखा रहे हैं, उस महिला का पति हैं। कल जब ये मामला चल रहा था तो देर रात वहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस के सामने ही हाथापाई हुई और दोनों पक्षों में जो है लड़ाई हुई। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष जो महिला का पक्ष है, मायका है, उनके ऊपर भी मामला जो है दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि अपहरण की बात जो है की जा रही है। तो अब उसका जो पति है वो वैशो पानीपत पर लाइव है, क्या उनका कहना है इस सारे मामले में, और इनकी बात सुनकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चोट मारी अंजू के भाई और अंजू का मामा नरेश संदीप व कई अन्य बदमाश थे, जो वेन्यू गाड़ी में आया, आगे क्रेटा थी, हत्या करने की नीयत से अपहरण करा, संभाल खा ले जाके पीटा, फिर बाद में मेरी गली के बाहर आके फेंके, कहा पुलिस को कहा तो देख लियो, इससे भी बदतर हाल होगा। पुलिस ने FIR अभी तक दर्ज नहीं करी, अपहरण की बयान ले लिए गए हैं। अंजू एक चरित्रहीन औरत है, सुबह 9 बजे गई थी, रात को 1 बजे आई, जिसकी वजह से हमने डाइवोर्स फाइल करा। उसने हमारी छवि खराब करने के लिए मीडिया में इंटरव्यू दिया, दहेज मांगते हैं, दहेज का मामला विचार अधीन है, उसमें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत उसने कुछ स्टेटमेंट दी थी, सोनीपत कुछ, गन्नौर 3-9 में कंट्राडक्शन है, जो DSP जोगिंदर राठी के अधीन चल रही है गन्नौर थाने में, मनीषा ASI है। कह रहे थे पुलिस खड़ी थी हमारे घर के बाहर तो भी ये करके, कहते आज रात को फिर करेंगे, जो होता हो कर लेना। दिलबाग सिंह आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट लिया, अभी तक कोई FIR। चरित्रहीन वो कह रहे थे कि कोई जीजा के ऊपर आरोप लगा रही थी कि जीजा ने उसके साथ कुछ हरकत की, और आपको पता है इस चीज़ के बारे में? CCTV की फुटेज घर की पेन ड्राइव में डाल के थाने में दे दी है, दूध का दूध पानी का। क्या था उसमें CCTV में? कुछ भी नहीं था, कह रही थी ये मेरे को छेड़ते हैं, कोई नहीं छेड़ता, हम अलग भी रह चुके हैं, व्हाटएवर, कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों का झगड़ा किस चीज़ का था ये? बस छोटी मोटी बातों के झगड़े हैं, अलग भी रह के देख लिया, अब 7-8 महीने बाद कल आई मेरे घर के बाहर धरना प्रदर्शन करा, मीडिया बुलाई, हमने कहा विचार अधीन है मामला कोर्ट के, पुलिस ने भी समझाया, गई नहीं। फिर उसके रात को भाई आए और मेरे साथ वारदात करी, अपहरण करके गाड़ी में ले गए, वेन्यू गाड़ी और एक क्रेटा गाड़ी, मेरे को पीटा, संभाल खा ले जाकर। अंजू का रास्ते में फ़ोन आ रहा था, इसका काम तमाम कर दो, वो कहती कि पुलिस आ गई तो वो मेरे को छोड़ गए। लेकिन वो बच्चा जो 5 साल का बच्चा है, जो आप लोगों के उसके चक्कर में, दोनों के चक्कर में ज़िंदगी तो उस 5 साल के बच्चे की ख़राब हो रही है। बस क्या बताओ जी सर, बोला नहीं जा रहा है। कई बार ये होता है कि चलो औरत की गलती है, आदमी की गलती है, बच्चे का मुंह देख के तो फिर सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो
वो तो अभी भी आपके घर के बाहर बैठे हुए, तो आरोप पे आरोप लगा रही है कि दहेज के लिए मारते थे या और भी डाइवोर्स का केस जो आपकी तरफ से फाइल किया गया था? मेरी तरफ से डाइवोर्स का, उसकी तरफ से डीवी एक्ट का है, ये मैंने आपको कल भी बताया था फ़ोन पे। मेरे पास सारे दस्तावेज है, मैं दिखा दूँगा, दूध का दूध और पानी का पानी, इसके बाद इंसाफ का तराजू। किस चीज़ के दस्तावेज आपके पास? डीवी एक्ट के है, क्या क्या आरोप लगाया है, दहेज का है, मैंने डाइवोर्स का डाला हुआ है, जो विचार अधीन है। डाइवोर्स आपकी तरफ से फाइल हुआ? हाँ। तो कल जब पुलिस आई थी शाम को, पुलिस आपकी तरफ से बुलाई गई थी, किस लिए बुलाई थी वो? ये मेरे घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी, मैंने दिखाया था कि विचार अधीन है, इसको ले जाओ। पुलिस ने बहुत समझाया, माननी नहीं कि भाई कोर्ट से आदेश लाओ, हम अंदर घुसा देंगे, ऐसे नहीं। बस फिर ये गेट में चुन्नी लगा के फांसी लेने की सोच रही थी, पुलिस ने रोका। पूरी रात भर पुलिस का पैरा रहा घर पे, जो मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज में सारी रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस के पैरे के बीच में आपको उठा के ले गए? हाँ बिल्कुल, गाड़ी नंबर भी है, सब कुछ है पुलिस के पास। तो अभी आप लोगों का कोई पंचायती समझौता नहीं हो सकता है कि जिसमें दोबारा घर बस जाए आप लोगों का? हाँ। अब तो इसमें कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, जो मेरे साथ आज हुआ कल किसी और के साथ खड़ा हो। लेकिन वो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा देखी जाएगी, वो रखना चाहेगी वो रख लेगी, मैं रखना चाहूँगा मैं रख लूँगा। कुछ वो, क्योंकि वीडियो फुटेज, वीडियो आपने भी देखी होगी, आपके सिस्टर के ऊपर आपके ऊपर आरोप है, एक वो जीजा है जो सरकारी उसमें, उसके ऊपर आरोप लगा रही है वो। सर दहेज के मुकदमे आपको भी पता है सारे झूठे होते हैं, 8 साल हो गए हमने कोई दहेज की डिमांड नहीं करी। एक बार उसने ऑल आउट पी के हम सारे परिवार को फंसाया और हमसे पैसे भी और ज़मीन भी अट्ठी, जिसका एफिडेविट है अंजू के भाई का और अंजू के पिता का और अंजू का FIR नंबर भी है, मैं सारे दिखा दूंगा जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। ठीक है सर, तो भी क्या चाह रहे हैं? प्रताड़ित करती है बस। अब चरित्रहीन कैसे कह रहे हैं? वो चरित्रहीन है, वो सुबह गई थी 9 बजे, रात को 2 बजे आई, हमने पूछा कहाँ गई, कहती जहाँ मर्जी जाऊँ किसी के साथ जाऊँ, ये बात है। तो ये बात पंचायत में नहीं बताई? बताई, तब उन्होंने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था कि हमारी छवि खराब हुई, हमारी छवि डा खराब हुई, तब उन्होंने दहेज का मुकदमा डाला। उन्होंने शादी को 8 साल हो गया, आज तक कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। अभी फिर सिर्फ आप कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपका घर जाए दोबारा बस जाए? कानूनी कार्रवाई। ये मार पिटाई किसने किया? संदीप नरेश व उसके मामा बल्लू, जो असंध निवासी है, और 7-8 अन्य जने थे। एक क्रेटा गाड़ी में थे जिसका नंबर HR42C6720 था, एक वैन्यू थी जिसका नंबर 2300 समथिंग था। किस चीज़ से मारा? पिस्टल से मारा, इधर चाकू से काट दिया, इधर भी स्टिचेस आए हुए हैं, इसको उठा के देख सकते हो आप, ये देखो पिस्टल की रपट से मारा ऐसे, ये कमर में मारे हुए हैं। कितने टाइम से लग रह रहे हो आप लोग? हैं? कितने टाइम से लग रह रहे हो? 7-8 महीने से रह रहे, कल ही आई, कल ही ये कारनामा कर दिया। मेरे को और मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए मेरे को। अब आपके घर पे कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं, जो के मामा तेजपाल, नरेश, मेरे साले का साला नरेश और उसका साला, 3-4 आदमी आए थे कि हम रजामंदी में तलाक दे देंगे, आप ये पर्चा उठा लो अपहरण का जो आपके साथ करा, हम अभी समझौता करने को तैयार हो जाएंगे, अगर जो आप अपनी FIR उठा लो तो अपहरण की, चलो जो गलतियाँ उनसे वही हम माफ़ी मांगते हैं। फिर आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो। सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि 5 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? ईगो की लड़ाई है, महिला को आपने देखा, महिला जो है घर के बाहर पड़ी है, उसका ये कहना है कि अपने घर पर जाना चाहती है, लेकिन मामला जो है विचाराधीन है। लेकिन उधर महिला का पति जो है ये कह रहा है कि वो भी रखना नहीं चाहता, डाइवोर्स लेगा। लेकिन इन दोनों के बीच 5 साल का मासूम जो है
वो पिस रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, दोनों ने इस बारे में नहीं सोचा। मामला कई सालों से इनका जो चल रहा है और जो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए थे, पति का कहना है कि जो उसकी बीवी है वो चरित्रहीन है, जबकि उसने सीता साधे जो आरोप लगाए थे, इनके जीजा पर आरोप लगाए थे कि उसके जीजा जो है छेड़ाखानी करते हैं, और ये मामला भी जो है बार बार पंचायत में उठ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि दोनों पक्ष आप लोगों ने सुने और दोनों पक्षों की जो बातें आप बिल्कुल गौर से सुनकर, आप लोगों की इस में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस मामले में क्या हो सकता है वो हमें जरूर बताएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए बाबू छावड़ा के साथ कुलवंत सिंह।